उदाहरण 8, रुपए 15,625 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से एक सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। उदाहरण 8, हल। इस प्रश्न में हमें ध्यान देने की बात यह है कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है, क्योंकि यहाँ ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है अतः समय जो है समय n बराबर 1 सही 1/2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष बराबर, बात अर्धवार्षिक की हो रही है तो कितने अर्धवार्षिक होंगे 1.5 वर्ष में? 3 अर्धवार्षिक। तीन अर्धवार्षिक दर प्रश्न में दी गई है, आर बराबर 8% वार्षिक। यदि जो दर है वो वार्षिक दी गई है 8% और गणना हो रही है अर्धवार्षिक, तो यहाँ पर हमारे पास कितने अर्धवार्षिक हो जाएंगे वार्षिक के हिसाब से? 2। इसलिए 8/2% अर्धवार्षिक कहेंगे हम इसे। और इसका मतलब दर जो हो गई वो हो गई 4% अर्धवार्षिक। चलिए अब बात कर लेते हैं मूलधन की। तो मूलधन तो दिया गया है, मूलधन P बराबर 15,625 रुपए। अब इस स्थिति में हम मिश्रधन ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए मिश्रधन A बराबर होगा P गुणित 1/100^n, जहाँ पर हम इनके मानों को रखेंगे। चलिए आगे हल करेंगे। मिश्रधन A बराबर, सूत्र में मान रख लेते हैं P का मान यानी कि मूलधन 15,625। इसके बाद 1/1, हमें दर का मान रखना है तो दर हमने कितनी गणना की है? 4, क्योंकि गणना हो रही है अर्धवार्षिक तो दर आधी हो जाएगी 4/100 और पूरे की घात, समय जो है वो दिया गया था 1.5 वर्ष लेकिन अर्धवार्षिक गणना है तो हमने निकाला 3 अर्धवार्षिक। अब इसे हल कर ले तो 15,625 और इसे हल करके हम कितना लिख सकते हैं? 1/4/100 को हम लिख सकते हैं 1/25। 4 के पहाड़े से हल करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 1/25 और पूरे की घात हो गई 3। पुनः आगे हल करते हैं, 15,625 और 1/1/25 जो है वो हल होके लिखाएगा 26/25 पूरे की घात 3। चलिए आगे हल करें तो घात 3 है इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 15,625 गुणित 26/25 गुणित 26/25 गुणित 26/25। ठीक है, चलिए अब इसे हल करें। इसे हल करने के लिए 25 के पहाड़े से काटते हैं तो 25 एकम 25, ये हल होगा 625 बार में कटेगा। इसके बाद पुनः 25 के पहाड़े से हल करें तो 25 एकम 25 और ये कटेगा 25 बार में और अंत में 25 एकम 25 और यहाँ भी मिलेगा 25 एकम 25, यानी कि हर में हमें 1 प्राप्त हुआ और अंश में हमें प्राप्त हुआ है 26 गुणित 26 गुणित 26। यह हल होके हमें देगा 17,576 रुपये। इस प्रकार जो मिश्रधन है, मिश्रधन A बराबर हमें मिला 17,576 रुपये। और अब हमें गणना करनी है चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन ऋण मूलधन। मान रखने पर हमें कितना प्राप्त होगा? मान रखने पर हमें मिल जाएगा
17,576, ऋण मूलधन है 15,625, यानी कि हल करने पर प्राप्त हुआ 1,951 रुपये। इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज का मान मिला 1,951 रुपये और प्रश्न हल हुआ।